आज आए हैं हम लाडवा में, और लाडवा में यह केंद्रीय सरकार का सेंट्रल फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, लाडवा कुरुक्षेत्र डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा। आज डॉक्टर पूजा से हम मिलेंगे, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग किंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लाडवा में, और जो इंडो इजराइल टेक्निक से स्थापित है, मैडम पूजा हमें बताएंगी जो बाग किसान भाइयों ने लगाए हैं, और उन बागों से अगर अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्या कारण है, कैसे करें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोग ने आम का बाग पुराना हो गया, काफ़ी 40-50 साल पुराना हो जाता है, उससे पैदावार कम आने लगती है। तो उसको फार्मर क्या सोचता है कि पैदावार कम आने स्टार्ट होगी, हम इसको उखाड़ देते हैं और नया बाग लगाते हैं। तो फार्मर्स को ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करे, जो पुराना बाग है उसको मैनेज करे, रिजुवनेशन करे, जीवनो उद्धार, एक टेक्निक है जीवनो उद्धार। तो फार्मर जीवनो उद्धार टेक्निक से अपने बाग को नया बना सकते हैं, और वो कैसे कर सकता है मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे सेंटर पर हमने डेमो रखा हुआ है, जो ये है हमारा, ये पुराना बाग है, ये 40-50 साल, ये 78 में लगा था बाग, ये हमारा कम से कम 40 साल पुराना बाग है, 40-45 साल। तो इसमें देखो कि आप ये पौधे आर्बिट्रेरी बड़े हुए हैं, सीधे गए हुए, इसमें प्रोडक्शन बहुत कम है। इसे प्रोडक्शन फार्मर, अगर फार्मर का ऐसा बाग है, पुराना बाग है, तो उसमें वो कैसे पैदावार ले, जैसे इसमें पैदावार बहुत कम है, तो हम इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो इधर देखोगे आप, ये बाग भी, जो इधर वाला बाग है, सेम उसी टाइम का लगा हुआ है, 1978 का। तो इस बाग में हमने क्या किया, टेक्निक यूज करी, जीवनो उद्धार किया और रिजुवनेशन की। रिजुवनेशन में क्या होता है, तीन तरह से कर सकते हैं जीवनो उद्धार, प्रथम ब्रांच पे, द्वितीय ब्रांच पे, तृतीय पे। पहली ब्रांच पे करोगे तो हेडिंग बैक होती है, वो आप बिल्कुल काट दो टॉप को, तो उसमें क्या है, छः, मतलब उसमें काट दो, 6-1 फुट ऊपर से काट दो पौधे को, उसमें आपको टाइम लगेगा प्रोडक्शन में। और दूसरा होता है द्वितीय ब्रांचेज, और तीसरी होती है तृतीय। जो ये सामने वाला है ब्लॉक, इसमें हमने क्या कर रखा है, जो तृतीय ब्रांचेज होती है, तीसरी शाखाएँ होती है, उनको काटा हुआ है। जैसे आप ऊपर से देखोगे, तृतीय ब्रांचेज है जो, उनको हमने काट दिया, तो इनकी जो हाइट है वो रिड्यूस हो गई। जो उधर वाले बाग में उसकी हाइट ज़्यादा लंबे गए हुए हैं, इसमें क्या है, हमने उसको ऊपर से काट दिया, तीसरी ब्रांचेज थी जो। तो हाइट कैसे आप देख सकते हो कि इस पूरे बाग में जो शेप है, एक ग्लोबुलर है, जो इस बाग में शेप देखोगे, देखी शेप देखना कि आपस में मिले हुए नहीं है। जो पुराना बाग था जिसमें हमने ये टेक्निक यूज नहीं करी, उसमें सारे आपस में मिले हुए हैं। इसमें आप इस साइड देख सकते हो कि इसमें जो आपस में मिले हुए हैं, जब पौधे में मिल जाते हैं तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पौधे नहीं मिल पाता, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पौधों फ्रूट फूल नहीं आएगा और ना ही फ्रूट आएगा। पर इसमें हमने क्या है कि इसमें हमने कैनोपी मैनेजमेंट कर दिया, तो इसमें देखो कि बीच में क्या है, स्पेस है, पौधे आपस में मिले हुए नहीं है, एक ग्लोबुलर, एक अच्छी सी शेप है पौधों की। और इसमें जो पैदावार है, वो जैसे आप नया बाग लगाओगे, उससे 10 साल बाद जो पैदावार आएगी, उससे इस बाग से हम दूसरे साल वही पैदावार ले सकते हैं पुराने बाग से ही, अगर आप कटाई करते हो तृतीय ब्रांचेज की। तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो हमारा हाई है, सेम आएगा, और इसमें जो पुराने बाग की अगर कटाई छटाई नहीं करते, उसमें नहीं आता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश का मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। अगर वही पौधे पे प्रकाश नहीं आएगा तो फूड नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मर के लिए। पुराना बाग है उसको उखाड़े नहीं, उसको रिजुवनेशन करें, जीवन उद्धार करें। यानी कि डॉक्टर साहब, जो मेन बात है, जो पुराना बाग है उसकी टहनियाँ ऊपर से मिल जाती हैं और उनको सही से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, और यहाँ पर जो ध्यान रखने की योग्य बात है, आपका स्पेस बहुत है, कहीं पर टहनियाँ आपस में नहीं मिली, यही कारण है नए बाग का और पुराने बाग का प्रोडक्शन का। इसमें प्रोडक्शन कम रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, अगर हमने इससे प्रोडक्शन लेना है तो इसको भी हमने, इसकी निराई छटाई करनी पड़ेगी। ये जो हमने सेंटर पे, ये सिर्फ डेमो के लिए रखा हुआ कि हम फार्मर को समझा सके, अगर आप कटाई छटाई पुराने बाग के नहीं करते हो तो उससे क्या आपको नुकसान होगा, अगर करते हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये डेमो के लिए हमने रखा हुआ है सेंटर पे।
ठीक है किसान भाइयों, जैसे कि बाग के बारे में आज पता लगा और डॉक्टर साहब ने हमें बताया, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको प्रोडक्शन लेना है अपने बाग से, अगर कम है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ध्यान दें और इस पर कार्य करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फार्मिंग किंग चैनल को देखते रहें और फार्मिंग किंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।